तो बेचारी मड़ैया से चल रही और जंगल में जा रही, विचार कर रही कोई कुआं तालाब में कूद के मर जाऊं, मैं ना रह पाऊंगी। मैं याद बलम करी आए रही है, मैं तो जाए रही हूं। आधी रात में रोती बिलखाती चल रही तो रास्ता में नारद बाबा में लगा। सुनीति को रोका, ए लड़की रुक, कहां जा रही है? बाबा कहीं नहीं, मैं मरने जा रही हूं बाबा, मैं अपने जीवन से दुखी हो गई बाबा, मैं मरने जा रही हूं। कह बात है, कहे मरने जा रही है? इतना बरसात हो रही भाई, हर की गौ गौ किसान, हर सही खेत बंजर परो तो बेकार जी भगवान। रानी सुनीति कह लगी, बाबा ना बरसात हो रही भाई, ना तो गो किसान, सही खेत बंजर परो मुपे रूठी गो भगवान। महाराज हमने एक पुत्र को जन्म ना दे पा तो सैया की दूसरी शादी करवाई, तो हमारी सौत ने हमें घर से निकलवाए थे। 6 महीना बीत गए महाराज, मैंने सैया को मुंह ना देखा, मैं दुख को बर्दाश्त ना कर पाई तो से मरने जा रही हूं। नारद कहने लगे, पगली है, दुनिया में मनुष्य को जीवन बड़े भाग्य से मिलता है और तू भाई गमाऊं जा रही है, जा, 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 मैं तो वरदान दे रहा हूं कि घबरावे मत राज दुलारी। जा लौट जा, मैं तो वरदान दे रहा हूं तेरे द्वारा एक पुत्र का जन्म होगा, बहुत सुंदर बेटा होगा। जब नारद बाबा ने कहा सुंदर बेटा होगा तो नारद बाबा के पायल में गिर के सुनीति रोने लगी, कहने लगी, बाबा क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बाबा? मैं 6 महीना गई
बाबा क्षमा करो। का कह रहे हो, 6 महीना हो गए हमने सैया को चेहरा लाए देखो बाबा, और बिना पति के पुत्र कैसे होंगे बाबा। 11 मुद्राएं हमारे मोहन दादाजी के द्वारा परमात्मा सुखी रखे। भैया सुनीति कह लगी बाबा 6 महीना बीत गए हमने पिया को मुंह नहीं देखो।